जनाब डीसी साहब, एसएसपी साहब, बाकी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे ऑफिसर्स, अभी एक तो डीसी साहब ने, दूसरा सीएमओ साहब ने हमें तफसीलन जो अभी तक का जो पोजीशन है हमारा कोविड का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने तफसीलन बता दिया आपको। तो इसमें बताने का आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे हमें क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपकी मजलिस से होना है और अभी हमारा चेकलिंग भी है, तो उस वक्त आप लोगों को थोड़ा सा आगाह करें कि सबसे बड़ी बात ये इसमें ये है कि इसमें हमने छुपाना नहीं है। अगर हम इसको जितने भी जो केसेस अभी आए हैं आपका, वो है कि जो नॉर्मल डेथ में इनको गिन रहा है, लेकिन नॉर्मल डेथ में ये है कि हम सबको ये पता है कि इस मौसम में जो है इतना हाई डेथ रेट कभी नहीं होता था करगिल में, तो उसको हम ये भी मान के चल सकते हैं कि हो भी सकता है कि शायद कोविड से इनका डेथ हुआ होगा। वो इसलिए हुआ होगा कि इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया, अगर टाइमली रिपोर्टिंग हुआ होता तो इनकी भी जान जो है वो बच सकती है। इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट आपका तैयार है, सब कुछ है, रेडी है, ऑक्सीजन हो, दवाई है, हर किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए अब यहाँ से मेडिकल डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है कि आप लोग मेहरबानी करके कोविड हॉस्पिटल आइए या जहाँ पर भी आपका नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर है वहाँ जाके आप इसको टेस्ट कराइए। तो इसलिए आप लोगों से, जो हमारे मजहबी इदारों से ये गुजारिश हमारी ये है कि आप मजलिस के लिए, तो हमारे तो आप दो या तीन दिन रह गए, नौ को मेरे ख्याल में आठ को, तो आठ को चहलिम है, छह दिन पाँच सौ दो तीन दिन रह गया। तो जो छोटे छोटे मजलिस होते हैं आपके, जो आप आईकेएमटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से, अंजुमन की तरफ से, वहाँ पे भी आज ही आप अपने उनको ऐलान कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें आप उनको पहुँचाना है। मतलब उनको, लोगों को ये खौफ है कि अभी डीसी साहब ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव निकला तो हमारे पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देंगे या पूरे गांव को कर देंगे, तो वो है नहीं अभी। अगर कहीं कोई खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो सिर्फ उसका घर ही जो है कंटेन होगा और उसकी फैमिली जो है उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जो पॉजिटिव निकला उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा अपने ही घर में और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो जो आपका नियरेस्ट मेडिकल सेंटर है वो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, जिस तरह सीएमओ साहब ने कहा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो खामखा घर में पड़ा रहे और लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं आपको, लास्ट मोमेंट पे तो मुश्किल होता ही होता है मसो है ना। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश, और जिस दिन हमारा बड़ा जुलूस होगा चहलिम के दिन, तो आप लोगों से गुजारिश है कि सबको ये बोलना है कि भाई आप लोगों को किसी को घबराने की बिल्कुल ये नहीं है, कंटेनमेंट ये नहीं। और अभी जो डीसी साहब ने कहा, अभी हमारा ऑक्सीजन लेवल अब कम होते जा रहे हैं, और गुनियों में ऐसा हुआ थी ऑक्सीजन को कम से थी लोमा सब खत्म से लोमान सब लोमा खत्म से ना नती देगा। एक तो ऑलरेडी हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं, दूसरा हमारा ग्रीनरी अब खत्म होते जा रहा है, तो ऑक्सीजन को नतीजा बहुत कम चीज़ें थी, उससे ज़्यादा मुश्किल आ जाएगा। इसलिए जितना हो सके किसी को खुदा न खास्ता कोई नज़र आता है कोई सिम्टम, तो सेल्फ रिपोर्टिंग राम सो से एकदम रिपोर्ट कर दो बना, फिर उसका घर में ही कर हम करें और कुछ करने की हमें जरूरत है। अव्वल ये कि हम हाथ जो है वो टाइमली धोते रहें, दूसरी बात है ये मास्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको बचाता है। अगर मान लो जैसे एडीसी साहब ने पहना है, सीसी साहब ने जब पहना, मैंने भी पहना है, तो अल्लाह करे हमारा रिस्क बहुत कम है, लेकिन अगर यही चीज़ हम कोई उतार देंगे तो अगर ये 5, 10 या 15 मिनट से ज़्यादा है तो क्योंकि ये एक वायरल है, जैसे एक को बुखार होता है अगर दूसरे को भी होता है, एक को जुकाम है दूसरे को भी जुकाम हो, ये बेसिक अगर हम प्रिकॉशन अगर अपने घर में हम इसका एहतियात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें किसी को भी डरने की जरूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप सिर्फ ये दो काम करें, सबसे पहला तो भाई आप लोगों को ये बोलें कि भाई इसको छुपाना नहीं है, हंसो है ना, अब तो छुपाना नहीं आपके, आप हर घर घर में, मैं खुद पॉजिटिव हुआ हूँ तो उसमें क्या है आपको, हंसो है ना। तो अब वो चीज़ें रहा नहीं, पहले पहले लोगों को ये खौफ था, लोग घबराते थे बोलना है कि भाई ये पॉजिटिव निकला तो पता नहीं ये क्या हो जाएगा, अब तो हर जगह ये हुआ है और अल्लाह की मेहरबानी से कोई ऐसी बीमारी है नहीं। अगर आप लोग इन टाइमली भी, जैसे अगर 60 साल से ऊपर भी है, अगर उनको इन टाइमली अगर आप रिपोर्ट कर सकते हैं उनको भी बचाया जा सकता है, हंसो है ना। इसलिए केसेस हम बचाए हैं, तो इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों को ये जानकारी देना है। और इसलिए आप लोगों को हम स्पेशल रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं क्योंकि अभी विंटर्स आ रहे हैं, गुनी होना दे रहा, इसलिए सर्दियों में हमारे क्या करते हैं, हम खिड़कियाँ भी बंद रखते हैं आजकल, गुनी में साहब को सब कुछ बंद रखते हैं, तो फिर उसमें तो ऑक्सीजन लेवल तो ऐसे भी ख़त्म हो रहा है, मसो है ना। और कोई बुखारी जलाता है, चूल्हा जलाता है, तो उससे ज़्यादा ही इसलिए अभी लोगों को थोड़ा अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपको मखसूस, इसलिए आप लोगों का प्लस एसओपी के बारे में तो डीसी साहब ने कहा एज इट इज़, जो हमारे 10वें मुहर्रम को जो एसओपी था वही एसओपी रहेगा, आपके वॉलंटियर्स रहेंगे मसो, लेकिन उसमें भी आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके थोड़ा मिनिमम करना है,
किसका मेहरबानी बस अदा जी थोड़ा सा कम करे वो अच्छा है। हमने सब कुछ खोल दिया दुकान में, हमारे पास ऐसे केसेस हैं कि जो ओल्ड एज है, जो मतलब 60 साल की उम्र से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनको भी हमने देखा है कि जो टाइमली हमारे पास पहुंचा है वो रिकवर हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत की गई है, सारी चीजें की है। लेकिन टाइमली जैसे ये आप भी बताएंगे कि आप जैसे आपकी मजलिस होगी, सारी चीजें होंगी, उसमें पब्लिक को आप ही बताएंगे कि देखो ये चीजें क्लियर, अगर इसमें किसी किस्म की कोई अगर शक व शुबा है तो आप हमें बताएं, हमारी तरफ से क्लियर करते हैं। आप लोगों को बताएं कि देखो अगर आपको जरा सा भी ऐसा महसूस होता है, आप जो है वो किसी को भी बताएं, आप सीधा कोविड हॉस्पिटल पहुंच जाएं, कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे। डायरेक्टली उस समय जो भी बंदा पहुंचता है नॉर्मली चेकअप होने के बाद उसको हम एडमिट करते हैं। फिर उस पर मैंने उनको लिखा, उस पर काफ़ी हमने ऑब्जेक्शन भी किया, तो उन्होंने वो ऑर्डर जो है एवियंस कर दिया, समझो। इसलिए आप लोगों को अभी शाम को मैं शायद उनको ये फील हो रहा था कि भाई सारा जो है द्रास वहाँ पे तो चला गया, सीएससी हमारा भी वहाँ नहीं, अब वहाँ से भी वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया, वो जो डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से हमारे जाते थे वो नहीं जाएंगे, और रोटेशनल पर सिर्फ शंखों से नहीं उठा रहे हैं बल्कि पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से उठा रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा आपको समझाने की जरूरत है, मतलब उनको ये फील हो रहा है कि हमारे ही डॉक्टर जा रहे हैं। वो तो लोग हर चीज़ें चल रही थी, अभी मैं सोच रहा था इसको मैं, लेकिन सोचा कि अभी इसमें वो चीज़ें वो जरूरी नहीं है, मैं सोच रहा था कि इस चीज़ को मैं उठाऊँ, लेकिन लोग कह रहे थे कि करें थोड़े से आंकड़े हमारे जो हैं वो अगर हम सीएमओ साहब अभी बताएंगे तो मैं सीएमओ साहब से ही पहले ये बोलूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट जो है वो रखें, और सिर्फ ये चीज़ हमें दिल से निकालनी है कि किसी किस्म का हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है टेस्टिंग के लिए, ये सारी चीज़ें नहीं, बल्कि एक सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी महफिल में जाते हैं या जैसे आज ही मीटिंग में बैठे हैं हम, तो हमें खुद को भी नहीं पता है कि कौन आदि इसमें जो है वो मुलव्वस है इस बीमारी में या नहीं है। तो लोगों के दिमाग से भी जब भी कोई कोविड पेशेंट कोविड हॉस्पिटल पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पर जब एडमिट होता है उसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा ही होता है, और ख़ासकर साथ में अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हो, डायबिटिक हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, 99% में उनका फैटल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है सर। तो उसी तरह और एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है, हमने खुद देखा, मैंने अपने पर्सनल, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, हम में से ही कोई था उनमें से, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के केजोटी में एडमिट था, 3 दिन वहीं पे बैठा रहा, तीसरे दिन मुझे पता चला कि वो वहाँ पे एडमिट है। मैंने उसको फ़ोन किया तो कहता है कि नहीं यार, घर वाले मुझे अगर कोविड हॉस्पिटल जाएंगे तो घर वाले जाने नहीं देंगे और मना कर रहे हैं। मैंने कहा यार आपको अपने जान से मतलब है, घर वालों को मैं समझाऊंगा। उसको समझा बुझा के उसको कोविड हॉस्पिटल पर शिफ्ट किया, तो वहाँ पर शिफ्ट होते ही वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब उसके जो बाकी जो इंजेक्शन लगने थे, ऑक्सीजन जब उसको भरपूर मिला, तो यूँ मान लीजिए अगले दिन ही वो कहता है कि मॉर्निंग में मुझे फ़ोन किया करके बता रहे थे कि नहीं आपने सही टाइम पर मुझे यहाँ पर भेजा था। तो इसका मतलब ये है सर कि जो भी हमारे पेशेंट यहाँ पे मोर्टिलिटी रेट जिनका हुआ, मतलब जिनका डेथ हुआ, वो लोग लेट आए, लेट रिपोर्ट किया उन्होंने, अगर सही वक्त पे, क्योंकि माइल्ड मॉडरेट और सीवियर एक वो कैटेगरी है, तो अगर माइल्ड और मॉडरेट की बाउंड्रीज पे जो आता है उसको जो भी दवाई लगाए, रेमडेसिविर जो सबसे कॉस्टली दवाई है आजकल के दौर में, जब वो लगाता तो देन अगले दिन से उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो मेन रीज़न यही रहता है सर, एक तो एज का एक रीज़न रहता है, कोमॉर्बिडिटी जो कंडीशन है उनके साथ वो रीज़न रहता है, किसी को जाके निकाल। लेकिन आपको उस समय मैनेज के मतलब पहले ये होता था कि इसी कमरे में हम अगर 50 आदमी भी या 75 आदमी भी 60 आदमी की अगर मीटिंग करें तो पॉसिबल है कुर्सी लगाने के बाद, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें आप ही इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए, मतलब आपके पास हेल्थ से ताल्लुक रखने वाले से सरबराह हर एक की खदमत में सलाम अर्ज़ करने के बाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूरत महसूस करके मीटिंग बरगुजार की और हमें बुलाया। ये ज़ाहिरन शायद ये अरबईन वाली मीटिंग है, चहनी वाली मीटिंग जैसे कि बुलाया गया था, तो इसी चीज़ के पेश नज़र हमने देखा कि अरबईन जो आ रहा है, चहनी से भी आ रहा है,
और पेंडेमिक के जो हालात में हमें करना है, इस मीटिंग को वक्त से पहले रखनी चाहिए, गुजार होनी चाहिए करके हमने 29 को 29 आपके सितंबर को मीटिंग रखी अपने IKMT की। तो वहाँ से हमने लेटर लिया, चिट्ठी लिखी थी एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त करके, तो अगले दिन भेजना ही था, उसी दिन आपकी चिट्ठी आ गई कि पहली तारीख को हम मीटिंग रख रहे हैं। तो हमने कहा कि देखिए बहुत ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के दर्द रखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन मुतासिफाना उस दिन पोस्टपोन हो गया, अगले दिन का रखा। जुमे के दिन फिर फ़ोन आता है और कैंसिल हो गया, और उसके बाद में टाइम नहीं देते हैं तो आज और बुला लेते हैं। आज तो बस ये पाँच है, पाँचवा है, छठा सातवा दो दिन बाकी है, फिर 8 अक्टूबर को हमारा चहल हुसैनी है। बहरहाल आपकी ज़रूरियात और कामकाज की वजह से, मशगूलियात की वजह से, मसरूफियात की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, और अभी इसी अरविंद हुसैनी के सिलसिले में, इसी पेश नज़र में, तनाजुर में आपकी हिदायतें बहुत सारी थी हेल्थ को लेकर। इससे तो और भी हमें लगता है कि 10 दिन पहले मैं गुजर होती अच्छी बात थी। बहरहाल जिस डर के बारे में हजरत अली ने तज़क्कुर दिया, बयान किया, और सीमो साहब ने भी फरमाया, ये जो डर थे कोई 177 आसपास में कोविड सब को मिलाकर मैंने हिसाब किया था, 3 जुलाई में, 19 अगस्त में, 13 सितंबर में, नॉर्मल 21, 43, 78, ये हिसाब से बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही घबरावानी जो बात है। हम भी आपस में बात करते थे, पिछले साल से बहुत ज़्यादा मरीज हो, बहुत ही ज़्यादा, कारण शायद कोविड हो, शायद ना भी हो, ये भी मुमकिन है ना, क्लोज कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ऐसा किसी किस्म का कोई भी जो है वो कदम नहीं है। कोई भी बंदा अगर पॉजिटिव निकलता, बड़ी आसान मतलब जुबान बताता हूँ, कोई भी आदमी अगर वो पॉजिटिव निकलता है, हम सिर्फ उसके घर को रिस्ट्रिक्ट करें, ठीक, उसके मोहल्ले को नहीं या नहीं। अगर मान लो कि उसका रैपिड टेस्ट किया, साथ वाला जो घर है उसमें भी पॉजिटिव आ गया, उसके साथ वाला भी घर आ गया, एक तो SOP निकलेगा। लेकिन अब जो हमारा टाइम है, देखो हमें इस माहौल को भी देखना है, माहौल हमारा अभी ये कहता है कि अभी हमारे यहाँ धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल पर कमी आ रहा है। सर्दियों में जैसे पहले पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बहुत अच्छा था, अब लेकिन जो जो सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का जो एयर के अंदर, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो मतलब मिकदार है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम आ रही है। और उसके साथ साथ जो आदमी कोविड से शिकार है उसको इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मुश्किल आ रहा है। अगर उसी पेशेंट को थोड़ा सा हम रोजिला पार करवाएंगे तो वो धीरे 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 स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल ये थी कि हमारा जो है ACD है।